नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, संविधान दिवस के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने जीवन में जो इस देश को संघर्षों के बाद में दिया, वो हमारे पूजनीय, वंदनीय, प्रार्थनीय, अनुकरणीय प्रेरणा के स्रोत है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने अनेकों देशों में जाकर के इस संविधान के बारे में जो जानकारी ला करके उसको कलमबद्ध कर दिया और कलमबद्ध करने के बाद इस भारत देश को सौंप दिया। साथियों, 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है ताकि इस संविधान के अंदर जो बाबा साहब ने लिखा है कि सत्ता पर कहीं ना कहीं हम अंकुश लगा सकें और न्याय, जो जिन लोगों के साथ अनजस्टिस होता है उनको हम न्याय दिला सकें, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार, ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के साथ में माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अबुल कलाम मौलाना साहब और वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जी, इनकी एक टीम के साथ इन्होंने जो काम किया और इस संविधान को बनाया। आज प्रवेश बदल चुका है, क्योंकि आज जो संविधान में हम समझते थे कि हमें कहीं ना कहीं पर, आज हम देख रहे हैं जो बच्चे अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखा रहे हैं, प्रॉपर्टी विवाद चल रहे हैं, उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग पूजनीय हैं, जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने हमें इस जीवन का रास्ता दिया, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, उन्हें हमें वृद्धाश्रम में नहीं भेजना चाहिए। मैं एक और अपील करना चाहता हूँ कि आज फरीदाबाद विषम परिस्थितियों से प्रदूषण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। प्रदूषण से मुक्ति हम जब ही कर सकते हैं, क्योंकि इस संविधान दिवस पर हम सब शपथ उठाएं कि जैसे बाबा साहब ने अनेकों जगह पर जागरूकता कार्यक्रम किए थे, तो विद्यालय, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, उसमें जितने भी अध्यापक हैं, प्राध्यापक बंधु हैं, बच्चे हैं, वो सब शपथ लें कि हमने आज के बाद में अपने आसपास में गंदगी को नहीं फैलने देना है और हमने साफ सुथरा रहना है। प्रदूषण मुक्त यदि रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और निरोगी काया रहेगी तो हमारा दिमाग भी अच्छा काम करेगा, हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल पाएंगे, उनकी शिक्षाओं पर अमल कर पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। शिक्षा का तो आज हम देख रहे हैं कि पहले हमारी बहन बेटी नहीं पढ़ती थी, उनको शिक्षा का अधिकार मिला, आज अधिकतर बहन बेटियाँ पढ़ लिख करके और आज सुप्रीम पावर पर बैठी हुई हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हो रही हैं। तो बहन बेटियों को जो अधिकार मिला वो भी आज सबके सामने है। और आज जो आप देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, चलने फिरने की, बोलने की, खाने पीने की, उठने की, साफ सुथरे कपड़े पहनने की, और बाबा साहब ने जिन इस विभिन्न परिस्थितियों में शिक्षा को प्राप्त किया और अपने देश का नाम रोशन किया और किसी देश में जाकर के अपनी जो स्किल थी उसको बेचा नहीं, सब भारतवर्ष के लिए किया, तो आज जो हमारे देश से कुछ जो साथी हैं जो पलायन विभिन्न देशों में जाकर के कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी देश की उन्नति के लिए काम करें, अपने देश को समृद्धशाली बनाएं, अपने देश की एकता, समग्रता, अखंडता के लिए काम करें, ताकि ये देश सोने की चिड़िया, जो पहले कहा जाता था, सोने की चिड़िया बने, अच्छा करिकुलम बच्चे पढ़ें, अच्छा करिकुलम पढ़ाएं, ताकि पहले जो धर्म गुरु की उपमा दी जाती थी वो धर्म गुरु बन सके। यदि अध्यापक अपनी गरिमा को निभाते, अपनी मर्यादा में रहते हैं और बच्चों के लिए आदर्श बन के रहते हैं, तो साथियों मैं कह सकता हूँ कि ये देश वही धर्मगुरु है और वही धर्मगुरु रहेगा। पुनः आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।